السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. اسٹیج پر موجود قابل عزت مستند مؤقر علماء اکرام, اس پنڈال کے نیچے موجود مختلف اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس, بزرگوں, نوجوان دوستوں, عزت دار پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں, سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف, کبریائی اور بڑائی, عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے, جو ہم سب کا تنہے تنہا خالق اور مالک ہے, جو پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے, ہواؤں پر جس کی حکومت ہے,
पूरी दुनिया का सिस्टम चलाने वाला, पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है, वही मालिक यौमिद्दीन है और वही अला कुल्ली शैइन क़दीर है। बादहु दरूद हो सलाम हो तमाम नबियों पर और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, महबूब नबी, हम सब के दिलों की बहार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि। हजरात, आप सबको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम हमारे अजीज दोस्त रियाज साहब, इसी तरीके से उनके साथी मोहम्मद हुसैन साहब और आपके गांव के जो सरपंच साहब हैं और भी दो तीन नाम हैं, उन सब की मेहनत से मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया था वो था कि शादी सादगी से हो और उस निकाह के अंदर कलमे शरीक था। और वो निकाह मैंने ही पढ़ाया, मुझे बताया कि मौलाना साहब ये निकाह ऐसा शायद इराके का निकाह है जिसमें जहेज नहीं है, जिसमें जूता छुपाई की रस्म नहीं है, जिसमें कोई ऐसी खुराफात नहीं है जो हर जगह समाज के अंदर चल रही है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लोगों को जिन्होंने इस अच्छे काम में बढ़ने की कोशिश की, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब को भी शादी बड़ी सादगी के साथ करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मुझे जो मौजू दिया गया उस मौजू का ताल्लुक तौहीद और शिर्क से है। देखिए, दो सवाल हैं और वो दो सवाल बहुत छोटे हैं। जो आदमी इन दोनों सवालों के जवाब को जान जाए वो पूरी शरीयत जान जाएगा, पूरा दीन जान जाएगा, और जो उन दो छोटी छोटे सवालों के जवाब पर अमल कर ले वो पूरी शरीयत पर अमल कर लेगा, पूरे दीन पर अमल कर लेगा। मेरे भाइयों, आज आप लोगों को यही दो सवालों के जवाब लेकर के घर जाना है। दो सवाल हैं, मुझे मालूम है मुझे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का वक्त दिया गया, मुझे लगता है कि प्रोग्राम थोड़ा ताखिर से शुरू हुआ। मुझसे पहले आप हमारे अजीज दोस्त मौलाना मेराज अहमद सल्फी साहब को सुन रहे थे, हमारे बाद हमारे बड़े भाई नसीम आलियावी साहब को भी सुनना है। तो बिला किसी तमहीद के ये दो सवाल हैं। पहला सवाल कि इबादत किसकी की जाए, और दूसरा सवाल कि इबादत कैसे की जाए। बस ये दो छोटे छोटे सवाल है, फिर कहता हूं। पहला सवाल कि इबादत किसकी की जाए, और दूसरा सवाल इबादत कैसे की जाए। अब इन दोनों सवालों का जवाब देखो। पहला सवाल, इबादत किसकी की जाए, जवाब यह है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जाए। दूसरा सवाल, इबादत कैसी की जाए, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है वैसे इबादत की जाए। बस, और मुझे बताइए शरीयत के अंदर क्या है, दीन के अंदर क्या है। बस यही दोनों चीजें हैं और इन दोनों चीजों पर अमल है। इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है और वैसे करना है जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो उसे कलमा पढ़ना होता है। कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। कलमे के अंदर भी इन्हीं दोनों सवालों का जवाब दिया जा रहा है कि इबादत किसकी की जाए। आदमी जब इस बात का इकरार करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है,
तो वो इस बात का इकरार भी कर रहा है कि मैं जिंदगी भर अल्लाह ताला की इबादत करूंगा, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ूंगा, अल्लाह ताला के लिए रोजे रखूंगा, अल्लाह ताला की बंदगी करूंगा, अल्लाह ताला के लिए हज करूंगा, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करूंगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो इबादत किसकी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? वो अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आदमी कहकर ये इकरार कर रहा है कि मैं इबादत वैसे करूंगा जैसे इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैदा ही इसीलिए किया कि हम उसकी इबादत करें। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, इबादत किसकी की जाए? सिर्फ अल्लाह ताला की। और इबादत कैसी करना है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताई है। जुमे का दिन आता है, सूरह कहफ पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो आदमी जुमे के रोज सूरह कहफ की तिलावत करता है, आने वाले जुमे तक उसके लिए एक नूर ही नूर होता है। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट के अंदर आप सूरह कहफ की तिलावत कर लेंगे। तो जुमे के दिन एहतमाम करिए सूरह कहफ की तिलावत का। सूरह कहफ के आखिर में एक आयत है, आखिरी आयत, और उस आयत के अंदर इन्हीं दोनों सवालों का जवाब दिया जा रहा है। فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا। जो अल्लाह ताला से मिलना चाहता है, जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, तो उसको दुनिया के अंदर दो काम करना है। कोई अल्लाह से मिलना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, दुनिया के अंदर दो काम उसको करना है। फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। पहला काम, फलियअमल अमलन सालिहा, नेक अमल करना है। और दूसरा काम, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। अब ये नेक अमल क्या होता है? ये अमल सवाले क्या होता है? फजल इब्न अयास कहते हैं कि नेक अमल के अंदर दो शर्तें होनी चाहिए, दो कंडीशन है। पहली चीज तो ये है कि हर वो काम जो आप अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, उसमें आपकी नियत खालिस हो। आप लोगों को दिखाने के लिए ना करें। आप नमाज पढ़ें इसलिए नहीं कि गांव वाले कहें कि नमाज पढ़ने वाला है। आप अगर कुछ दे, कुछ खर्च करें, तो इसलिए नहीं कि गांव वाले कहें ये देखो आदमी अल्लाह के रास्ते में बड़ा दान देने वाला, बड़ा खर्च करने वाला है। आप हज इसलिए ना करें कि लोग ये कहें कि कितना बड़ा हाजी है। आप रोजे इसलिए ना, आप रोजे इसलिए रखें कि लोग कहे कि रोजे रखने वाला है। आपके अमल में अगर दिखावा आ गया, रिया आ गई, नमूद आ गया, तो मेरे भाई अल्लाह ताला की हां, आपके अमल की कोई वैल्यू नहीं है, आपके अमल की कोई औकात नहीं है। तो फजल इब्न अयास कहते हैं नेक अमल के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि अमल के अंदर दिखावा ना हो, रिया ना हो, नमूद ना हो। और दूसरी चीज, वो अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। और अगर वो अमल सुन्नत के खिलाफ है या सुन्नत से हटा हुआ है, तो वो अमल अमले सवाले नहीं हो सकता है। मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई ऐसा अमल करे जो हमारी सुन्नत से उसका सबूत ना हो, हमारी सुन्नत के खिलाफ हो, तो वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, तो दो काम करना है। पहली चीज, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर सूरह फातिहा जरूर पढ़ते हैं, पढ़ ली चाहिए, बगैर सूरह फातिहा के नमाज भी नहीं होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, जो नमाज के अंदर सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह फातिहा के बीच में बिल्कुल दरमियान में आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर नमाज में पढ़ते हैं, हम सबको याद है क्या तर्जुमा है क्या मीनिंग है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं, आय अल्लाह हम मदद तुझसे ही मांगते हैं, यही तौहीद है। मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने बीच में सायत को रखकर अंगूठी के अंदर नगीने को लगा दिया हो, जैसे एक अंगूठी के बीच में नगीने को लगाया जाता है, अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के बीच में सायत को रखा, मिडिल में रखा है, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं, अगर इसका तर्जुमा ये किया जाए आय अल्लाह इबादत तेरी भी करते हैं और मदद तुझसे भी मांगते हैं, मेरे भाइयों यही शिर्क बन जाएगा। और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, तौहीद और शिर्क का जो लड़ाई है, तौहीद और शिर्क का जो झगड़ा है, वो ही और भी का ही झगड़ा है, ही और भी का ही झगड़ा है ना भाई। आदमी अल्लाह को भी माने और अल्लाह के साथ दूसरों को भी माने, यही शिर्क है, और आदमी अल्लाह को ही माने, यही तौहीद है। और आदमी अगर अल्लाह को माने ही नहीं, अल्लाह के वजूद का ही इंकार करे, तो ये तो इल्हाद हुआ, असल शिर्क ये है, आदमी अल्लाह के साथ साथ गैर अल्लाह को भी माने। मेरे भाइयों तौहीद और शिर्क का सबसे बड़ा झगड़ा ही और भी का है। आप क्या समझते हैं क्या मक्के के लोग अल्लाह को मानते नहीं थे? मेरे भाइयों मक्के के लोग भी अल्लाह ताला को माना करते थे। आपके आने से पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर तशरीफ लाने से पहले अल्लाह को माना जाता था, मक्के के लोग अल्लाह को मानते भी थे, और वो अपने बच्चों का नाम अब्दुल्ला भी रखा करते थे। अल्लाह के नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला का मतलब तो होता है अल्लाह ताला का गुलाम। आज हम और आप जब खाने काबा का तवाफ करते हैं तो ये तलबिया पुकारते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, आय अल्लाह हम हाजिर है, तेरा कोई शरीक नहीं है, आय अल्लाह हम हाजिर है। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के आने से पहले जब मुशरिकीन खाने काबा का तवाफ करते थे तो वो भी एक तलबिया पुकारा करते थे, और उनका तलबिया भी हमारे तलबिये की तरह होता था, लेकिन एक चीज अलग होती थी, उनका तलबिया ये होता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आय अल्लाह हम हाजिर है, तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, लेकिन कुछ शरीक ऐसे हैं जिनका भी तू मालिक है, यानी हम तुझे भी पुकारते हैं और हम उनको भी पुकारते हैं, हम उनसे भी मांगते हैं तुझसे भी मांगते हैं, और उन सारे बुतों का भी तू मालिक है। मेरे भाइयों यही तो शिर्क है, अल्लाह के साथ साथ गैरों को भी माना जाए, अल्लाह के साथ साथ गैरों के सामने भी सजदा किया जाए, झुका जाए, मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला बेटा देने वाला बेटी देने वाला अल्लाह ताला के अलावा किसी और को भी समझा जाए, यही तो शिर्क है, यही तो शिर्क है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम नमाज में एग्रीमेंट कर रहे हैं, अल्लाह से वादा कर रहे हैं, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करेंगे, अल्लाह मदद तुझसे ही मांगेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दोगला है ऐसा आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा वादा खिलाफ है ऐसा शख्स जो मस्जिद में खड़ा होकर के अल्लाह से वादा कर रहा है, लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद वो किसी और को मुश्किल कुशा समझने लगे, किसी और को दस्तगीर समझने लगे, किसी और को बेटा और बेटी देने वाला समझने लगे। तो मेरे भाइयों तौहीद ये सबसे बड़ी नेमत है, तौहीद की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। शिर्क इतना खतरनाक दीमक है जो हमारे सारे आमाल को चाट जाएगा, हमारी सारी खूबियों को खत्म कर देगा, हमारी सारी अच्छाइयों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है लेकर के नहीं आए। तो मेरे भाइयों याद रखो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला मुशरिक को माफ नहीं करेगा, मुशरिक की मगफरत नहीं फरमाएगा। क्या गुनाह है,
शिर्क है मेरे भाइयों, शिर्क इतना डेंजर गुना है। अल्लाह ताला मुशरिक की मगफरत को भी नहीं फरमाएगा, मुशरिक को माफ नहीं करेगा। और माफ करना तो दूर की बात है, अरे मुशरिक का तो आप मुशरिक के लिए तो आप मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते हैं। एक मुशरिक के लिए आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला तू इसको माफ फरमा दे। एक मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ करना भी जायज नहीं है। अरे हमारे और आपके लिए तो बहुत दूर की बात है, हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब को कौन नहीं जानता है। नबी अकरम का साथ देने वाले, कदम कदम पर आपका सपोर्ट करने वाले, आपका सहारा बनने वाले और बचपन से आपकी परवरिश करने वाले आपके चचा अबू तालिब को कौन मुसलमान नहीं जानता है। लेकिन वो इस्लाम लेकर के नहीं आए, वो इस्लाम लेकर के नहीं आए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और अपने पुराने दीन पर मर गए, अपने पुराने दीन पर इंतकाल किए, अपने पुराने दीन पर उनकी मौत हुई। मेरे भाई और नबी के लिए भी ये जायज नहीं है कि वो अपने मुशरिक चचा के लिए सिफारिश करे। अबू तालिब के इंतकाल का वक्त करीब है, अल्लाह के नबी को खबर दी गई, आप आए, आपने अपने चाचा से फरमाया या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चाचा ये कलमा पढ़ लो, आए मेरे चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। अबू जहल बैठा हुआ है, मक्के के मुशरिकीन बैठे हुए हैं, कहने लगे खबरदार खबरदार है अबू तालिब, के आखिरी वक्त में मैं भी बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे। आए अबू तालिब खबरदार खबरदार, क्या मरते मरते बाप दादा का मजहब छोड़ जाओगे। अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो जुमला ये था, आला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब की शरीयत पे मरता हूँ और इस्लाम नहीं लाए। मेरे भाइयों मुसलमान नहीं हुए, इस्लाम नहीं लाए और अपने पुराने मजहब पर मरे, अपने पुराने दीन पर मरे। जब इंतकाल हुआ मेरे नबी ने अपने हाथों को उठाया और अपने चचा के लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है खबरदार, आए मेरे नबी आपके लिए जायज नहीं है और किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आप किसी मुशरिक की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, नबी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि आप अपने मुशरिक चचा की सिफारिश करें। आए नबी आपके लिए और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे, तो मुशरिक की सिफारिश करना भी जायज नहीं। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुरूर को कौन नहीं जानता है, मुनाफिक और मुनाफिक ही नहीं, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार। मुनाफिक किसको कहते हैं, जो जाहिर में तो मुसलमान हो लेकिन अंदर से मुसलमान ना हो, काफिर हो, ये कौन है, ये मुनाफिक है। अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी को बुरा भला कहने वाला यही अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल रईसुल मुनाफिकीन, जिसने तमाम मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जिना की तोहमत लगाई, मुसलमानों का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन। जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके जो बेटे थे ये मुसलमान थे। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे आए अल्लाह के नबी मेरे बाप के अजाब में कोई कमी आ जाए, आपकी चादर में बाप को लपेट दूंगा, कफन आपने बाप के लिए आपकी चादर को कफन बना दूंगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भी दे दी, चादर दे दी किसको, मुनाफिक को, एक काफिर को। उनका बेटा फिर आया कहने लगा आए अल्लाह के नबी अगर आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे तो शायद अल्लाह ताला मेरे बाप को माफ कर दे। अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, किसका, मुशरिक का जनाजा पढ़ाने के लिए, एक मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने के लिए। हजरत उमर ने रोका आए अल्लाह के नबी ये किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, ये आपका दुश्मन है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, ये काफिर है, मुशरिक है,
आए नबी किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाने को तैयार। अल्लाह ताला फरमाता है इन तस्तगफिर लहुम सबईन मर्रा, अगर आप 70 मर्तबा भी जनाजा पढ़ाए तब भी अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। आपने फरमाया था अगर 71 मर्तबा जनाजा पढ़ाने से इसकी मगफिरत हो जाती तब भी मैं इसका जनाजा पढ़ाने को तैयार हो जाता। आप जरा गौर करें मेरे भाइयों, किसी मुशरिक को नबी का कुर्ता दे दिया जाए या नबी जनाजे की नमाज पढ़ा दे, अल्लाह ताला उस मुशरिक को तब भी माफ नहीं करेगा। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला की यहां शिर्क की माफी नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, दिल थाम के सुनिएगा, हमें अपने नबी से बड़ा प्यार है। क्यों? हमारे नबी ने कितनी मार खाई इस्लाम के लिए। जब आप ताइफ गए तबलीग के लिए आपको पत्थरों से मारा गया, यहां तक कि आपके लहू से आपका जूता मुबारक लहू लहान हो गया। दुश्मन तो दूर की बात है, गैर तो दूर की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन कोई गैर नहीं, अपने थे। आपका चचा अबू लहाब आपका दुश्मन, आपके खानदान के लोग आपके दुश्मन। हमारे नबी ने कितनी मेहनत की है ना इस्लाम के लिए। हमारे नबी ने गैरों की दुश्मनी मोल ली, अपनों की दुश्मनी मोल ली, अपनों के ताने से। लेकिन क्या आपको पता है अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में फरमाता है लैन अशरकता लयहबतन अमलुक। आए मेरे नबी आप ये सुन ले, अगर आप भी शिर्क करते, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके सारे अमल को बर्बाद कर देते, हम आपकी सारी मेहनतों पर पानी फेर देते। शिर्क कितना बड़ा गुना है, अगर हमारे नबी भी शिर्क कर ले अल्लाह ताला नबी के सारे अमल, सारी नमाजें, सारे रोजे, सारे सदका और खैरात को अल्लाह ताला जाये फरमा दे तो शिर्क से अमल बर्बाद हो जाते हैं मेरे भाइयों। शिर्क कितना बड़ा गुना है। और याद रखिए जितने नबी दुनिया के अंदर आए, नबियों के शरीयतें अलग अलग थी, इबादत का तरीका अलग अलग था, रोजे रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, नमाजें पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे नबियों की शरीयत के अंदर एक चीज कॉमन थी और वो चीज तौहीद थी। यानी झुकना सिर्फ एक अल्लाह के सामने, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करना है, अल्लाह को ही पुकारना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर उम्मत के अंदर एक नबी भेजा। क्यों भेजा? अलेबुदुल्लाह वजतनेबुत्तागूत, ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत करे और लोगों को गैरुल्लाह के सामने झुकने से बचाए। तो मेरे भाइयों शिर्क इतना बड़ा गुना है, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। आप कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर 18 नबियों का नाम लिया, हजरत नूह का नाम लिया, हजरत इब्राहिम का नाम लिया, हजरत इसहाक का नाम लिया, हजरत इस्माइल का नाम लिया, हजरत यूसुफ का नाम लिया, हजरत इब्राहिम का नाम लिया, हजरत मूसा का नाम लिया, 18 नबियों का नाम लिया और फरमाया लाइन अशरकु लयहबतन्ना, अगर ये सारे नबी भी शिर्क कर लेते हम इन सारे नबियों के आमाल को बर्बाद कर देते, इनकी सारी मेहनतों को बर्बाद कर देते। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला की जात के साथ शिर्क ना करना, मर जाना मिट जाना ये तो गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह की जात के साथ समझौता ना करना, रब की जात के साथ कंप्रोमाइज ना करना। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज लोग कहते हैं अहले हदीसों पर इल्जाम लगाते हैं, अहले हदीस अमल के मामले में बहुत पीछे। हां मैं मानता हूं कि अहले हदीसों की यहां अमल की बहुत खराबी पाई जाती है, अहले हदीसों की यहां अमली मैदान में हम बहुत पीछे हैं, ये सारी कमियां हमारे अंदर है मैं मानता हूं। लेकिन एक हमारी खसूसियत है और वो ये है मेरे भाइयों कि हम अल्लाह ताला की जात के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते।
हम तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मर जाना मिट जाना ये तो गवारा कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की जात के साथ शिर्क करना गवारा नहीं करेंगे। ये हमारा इम्तियाज है, ये हमारे सरों की दस्तार है मेरे भाइयों। हम मर जाना मिट जाना ये तो गवारा कर लेंगे, लेकिन तौहीद के साथ कंप्रोमाइज करना गवारा नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, अपने तौहीद पर मजबूत रहिए, अपने अकीदे पर मजबूत रहिए, और अपने बच्चों को भी अकीदे की तालीम देते रहिए। हजरत लुकमान अपने बेटे को अकीदे के बारे में सबक दे रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। मेरे भाइयों, जहां सारे नेटवर्क बंद हो जाएं, जहां सारे टावर फेल हो जाएं, वह अल्लाह ताला का टावर काम करता है। दुनिया के अंदर नेटवर्क बंद हो जाते हैं, YouTube बंद हो जाता है, Facebook भी कभी कभार बंद हो जाता है, WhatsApp के अंदर गड़बड़ी पैदा हो जाती है, WhatsApp बंद हो जाता है, तो दुनिया के अंदर नेटवर्क फेल हो जाते हैं। आप फ्लाइट में सफर करें, नेटवर्क नहीं आएंगे। आप समंदर में सफर करें, नेटवर्क नहीं आएंगे। तो दुनिया के नेटवर्क लिमिटेड होते, महदूद होते हैं, और अल्लाह ताला का नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है, आप जंगलों में चले आए वहां भी अल्लाह का टावर काम करेगा, आप हवाओं में चले जाए वहां भी अल्लाह का नेटवर्क काम करेगा, आप समंदर के अंदर चले जाए वहां भी अल्लाह का नेटवर्क काम करेगा, आप जहां भी हो अल्लाह ताला का सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए, मछली के पेट के अंदर है और मछली पानी के अंदर है। हजरत यूनुस मछली के पेट में, पेट का अंधेरा, और मछली समंदर के अंदर, समंदर का अंधेरा, और रात का वक्त है, रात का अंधेरा। हजरत यूनुस अल्लाह को पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और तेरी जात बड़ी पाक है। अल्लाह ताला फौरन मछली को हुक्म देता है, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, आए मछली मेरे बंदे को दरिया के किनारे आजाद कर दो, मेरे बंदे को दरिया के किनारे अपने मुंह से निकाल दो। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। जब भी मुसीबत आए, आए मुसलमानों, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो। फसिर्रू इलल्लाह, दौड़ना है तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, माल की तरफ नहीं, कारोबार की तरफ नहीं, किसी नेता की तरफ नहीं, फसिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला का नेटवर्क 24 घंटे ऑन है, अल्लाह का सर्वर कभी डाउन होने वाला नहीं है। हजरत जकरिया को देखिए, हजरत जकरिया बूढ़े हो गए, बच्चा नहीं है, और इनकी जो बीवी है, इनकी जो वाइफ है, ये बाज है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। हजरत जकरिया अल्लाह को पुकार रहे हैं, कुरान उठाओ, सूरह मरियम खोलो, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا। और याद करो जकरिया को, जब वो अपने रब से दुआ कर रहे थे, आए अल्लाह मेरे जिस्म की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब भी मैंने तुझसे मांगा है, अपने हाथों को उठाया, तूने हमेशा मेरे हाथों को खाली हाथ नहीं भेजा है, तूने हमेशा मुझे नवाजा है, आए अल्लाह मुझे बेटा दे दे। हजरत यूनुस, हजरत जकरिया अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है और खुशखबरी देता है, या जकरिया इन्ना नुबशिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन कब्लु समिया। आए जकरिया, हम तुझे एक बेटे की खुशखबरी देते हैं, और उस बेटे का नाम हम खुद रख देते हैं, उस बेटे का नाम यहया होगा। अल्लाह ने बेटा भी दिया और बेटे का नाम भी रख दिया यहया लम नजअल लहु मिन कब्लु समिया, और ऐसा नाम रखा कि उस दिन से पहले कभी ये नाम सुना ही नहीं गया, रखा ही नहीं गया।
तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर किसी से एक बार मांगोगे दे देगा, आपका अपना सगा भाई पैसों की जरूरत पड़ जाए दोबारा मांगो दे देगा, तीसरी बार मांगोगे मुंह बना लेगा, लेकिन अल्लाह ऐसा है जितनी बार मांगोगे अल्लाह ताला खुश होगा। दुनिया के दरबार ऐसे हैं, लोग कहते हैं कुछ दे के जाओ बेटा लेके जाओ, जिसकी बेटी नहीं हो रही है कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाओ आओ और बेटी लेकर के जाओ, झोली भर के लाओ और झोली भर के लेके जाओ, मेरा रब वो है जो कहता है खाली हाथ आओ दामन भरे भाई, खाली हाथ आओ, ये कैसा डिसबैलेंस हो रहा है, खाली हाथ आओ झोली भर के जाओ कुछ ना लेके आओ सब कुछ लेके जाओ, ये अल्लाह का दरबार है। तो मेरे भाइयों इबादत किसकी करना है बोलिए, सिर्फ अल्लाह की। मुझे मालूम है मेरा वक्त पूरा हो गया है, नाज़िम इजलास भी मेरी तरफ देख रहे हैं, बस 5 मिनट का वक्त में और लेना चाहता हूँ, मेरे मौजू का जो दूसरा रुख था इबादत कैसी, बस 5 मिनट में इस पर रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। तो इबादत कैसी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। अच्छा एक सवाल है, अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर देता काफी था भाई, रसूल को भेजने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों सिर्फ कुरान का नाजिल होना काफी नहीं है, बल्कि साहिब कुरान का होना जरूरी है। अल्लाह ताला ने तो ये फरमा दिया अकीम सला, नमाज कायम करो नमाज पढ़ो। अब नमाज कैसे पढ़ी जाए, नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ा जाए, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, ये सीखना है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। कुरान ने तो इतना कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, आई ईमान वालों रमजान के रोजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, अब रोजे रखना तो है लेकिन वो कौन सी चीज है जिससे रोजा टूट जाता है, ये हमें कुरान नहीं बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। अल्लाह ताला ने तो ये फरमा दिया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज करने की ताकत है तो हज करो। अब हज कैसे किया जाए, कितने बार तवाफ किया जाए, कहां से हज शुरू किया जाए, मीना में कितने दिन रुका जाए, ये तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। कुरान ने तो इतना कह दिया कि जकात दो, अब जकात कैसे दी जाए, सोने पर कितनी जकात हो, चांदी पर कितनी जकात हो, पैसों पर कैसे जकात होगी, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। तो कुरान के साथ साहिब कुरान का होना जरूरी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया है। तो मेरे भाइयों इबादत कैसी करना है, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और इबादत के अंदर सबसे असल चीज जानते हैं क्या है, सबसे अहम इबादत मेरे भाइयों नमाज है, अजीजाने मोहतरम नमाज ये सबसे अहम इबादत है। रासुल अम्र इस्लाम व उमुदुहु सलाह, असल मामला इस्लाम है और सबसे अहम पिलर जो है इस्लाम का वो नमाज है। नमाज, एक सहाबी है उनका नाम है हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु। मालिक इब्न हुवैरिस कहते हैं कि हम लोग चंद लोग मदीना आए अल्लाह के नबी के पास इस्लाम सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए, हम चंद लोग मदीना आए और 20 दिन हम मदीना के अंदर रुके और हमने 20 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा, इस्लाम सीखा। हमारे घर बार बहुत दूर थे, मालूम ये चला कि दूर दराज से सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से इल्म सीखने दीन सीखने आया करते थे। और ये दुनिया का कानून है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, हमारे और आपके यहां तो उल्टा होता है, जानते हैं क्या है, यहां कुएं को बुलाया जाता है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आपके इलाके के अंदर उलमा है, और मेरे ख्याल से जितने आपके सिद्धार्थ नगर बल्लामपुर के अंदर उलमा है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसी भी इलाके में इतने उलमा नहीं है जितने उलमा आपकी यहाँ है।
कभी जाइए उन इलाकों के अंदर जहां उलमा नहीं है, उनसे पूछिए इनकी कदर क्या होती है, इनकी अहमियत क्या होती है। मैं इस इलाकों में गया हूं, आंखों का ताज बना लिया जाता है। ऐ मेरे भाइयों, जो इज्जत और एहतराम होता है, उनसे पूछिए उलमा किसको कहते हैं और उलमा कितनी बड़ी नेमत है। उन वो महरूम रहते हैं, हमारा निकाह कौन पढ़ाएगा, उनके बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा। आपकी यहाँ उलमा है, तकरीरें होती है, जलसे होते हैं, नहीं साहब मौलाना साहब आए, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है जिस तरीके की तकरीर सुनने का, उनका अंदाज वो नहीं, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। उनकी आवाज दमदार नहीं, हम नहीं जाएंगे। उनकी तकरीर में मजा नहीं है। मेरे भाइयों, मजे ना देखो, आवाज ना देखो, वो जो अपनी जुबान से अल्फाज निकाल रहा है, काल अल्लाह काल रसूल की बात कर रहा है, मेरे भाइयों वो असल चीज है। हम और आप काल अल्लाह और काल रसूल सुनने के लिए आए। ये तो आपके जलसे का हाल है भाई, कितनी बड़ी आबादी आपके इलाके के अंदर है, कितने लोग आए हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोगों की बड़ी कलील तादाद है। लेकिन मेरे भाइयों सुन लो, आप जितने लोग भी मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर, चाहे मौलाना मेराज साहब हो या मैं नाचीज या मेरे बाद हजरत मौलाना नसीम साहब हो, अगर इन तीनों में से किसी एक की बात पर भी और कोई एक बात पर भी कोई एक आदमी भी अमल कर ले, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, जिन लोगों ने प्रोग्राम के लिए मेहनत की है उन सबकी मेहनत कामयाब, हमारा यहाँ आना कामयाब, हम सबका सफर करना कामयाब, एक बात पर भी अगर कोई अमल कर ले पूरा का पूरा जलसा कामयाब। तो मालिक इब्ने हुवैरिस कहते हैं, हम अल्लाह के नबी के पास आए और 20 दिन ठहरे और 20 दिन रुकने के बाद हमें अपने बीवी बच्चों की याद आने लगी। अल्लाह के रसूल समझ गए कि हमें अपने घर वालों की याद सता रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा ऐसा करो, अब तुम अपने गांव चले जाओ, अपनी बस्ती चले जाओ जहां से तुम लोग आए थे, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना। जो दीन तुम मुझसे लेकर के जा रहे हो, जो इस्लाम तुम मुझसे लेकर के जा रहे हो, उसकी तबलीग करते रहना, इस्लाम फैलाते रहना, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में जो बड़ा हो और जो तुम में जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो उसको अपना इमाम बना लेना, और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इस तरीके से नमाज पढ़ना जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उस तरीके से नमाज पढ़ना। तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। इबादत वैसी ही होगी जैसे नबी ने बताई। इबादत के अंदर दिल का इबादत के अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। नमाज पढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है। हम और आप जोहर की नमाज में 4 रकत पढ़ते हैं, असर की नमाज में 4 रकत पढ़ते हैं, ईशा की नमाज में 4 रकत पढ़ते हैं और फजर की नमाज में 2 रकत पढ़ते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज में कितनी रकत पढ़ते हैं भाई? 3 पढ़ते हैं। अब कोई एक बढ़ा दे तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। कोई एक घटा दे, सोचे फजर में 2 है यहां भी 2 कर ले, हो जाएगी? नहीं। नमाज पढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है। यही अगर आप 4 रकत की नमाज को 5 रकत कर दें और 3 के अंदर लॉजिक नहीं चलता है, शरीयत के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चलती है। कुर्बानी करना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। बकरीद की नमाज से पहले कुर्बानी कर लो, हो जाएगी? नहीं होगी। तारीख वही है, 10 ज़िलहिज्जा दिन वही है, सब कुछ है, मुसलमान है, लेकिन बकरीद की नमाज से पहले करोगे नहीं होगी। होगी तो बकरीद की नमाज के बाद होगी। सदका फितर देना फर्ज है, आप ईद की नमाज के बाद दे नहीं कबूल होगा। आम सदके की तरह सदका होगा लेकिन सदका फितर का सवाब नहीं होगा। तो जहां जैसी हमारे नबी ने इबादत बताई है वैसे ही करना है। रोजा रखना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ईद के दिन, बकरीद के दिन और अय्याम तशरीक की 11, 12, 13 तारीख को रोजा रखना हराम है। तो मेरे भाइयों, इबादत कैसी? जैसी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। यही 2 सवाल थे, इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी। मैं बहुत लंबा मौजू अपने जहन के अंदर बना करके आया था और मुझसे यह कहा था कि मेरा जो वक्त होगा वो 1 घंटे से ज्यादा का होगा। तकरीबन 1.5 घंटे का जहन बना के मैं आया था, लेकिन वक्त चूंकि बहुत तंग है इसीलिए मैं अपनी बात
बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सबसे पहले जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, जितने लोग यहाँ जमा है अल्लाह ताला उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबको कहने और सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मालीना इल्ला البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।